नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। कल शाम हरियाणा में उस समय सनसनी मच गई जब राज्य के कद्दावर नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिल्मी अंदाज में किए गए इस मर्डर के बाद हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, क्या सीसीटीवी से खुलेगा एनएलडी नेता नफीस सिंह की हत्या का राज? दरअसल पुलिस के इस हत्याकांड के कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें एक कार नफीस सिंह की गाड़ी का पीछा करती हुई नजर आ रही है और पुलिस का ये कहना है कि इस कार में हत्यारे सवार हो सकते हैं। कल शाम हरियाणा का बहादुरगढ़ का इलाका उस समय दहल गया जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की सरेआम हत्या से पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई। कल शाम नफीस सिंह राठी अपने ड्राइवर और 2 समर्थकों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर कार से शाम में करीब 5 बजे बहादुरगढ़ लौट रहे थे। नफीस सिंह जब बराही रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो उस समय रेलवे फाटक बंद होने की वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा। इसी दौरान एक दूसरी कार में आए 4 शूटर्स ने उनकी गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तकरीबन रविवार के शाम के 5 बजे असौदा एक गांव है बहादुरगढ़ में, वहां से नफीस सिंह कुल 4 लोगों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से गुजर रहे थे। तभी जो रेलवे फाटक है वो बंद होता है, ट्रेन गुजरती है और इसी दौरान जो पीछे से कार में सवार हमलावर थे वो पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें नफीस सिंह को कई गोलियां लगती हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। राठी की हत्या को अंजाम देने आए कातिल राठी की कार का काफी पहले से पीछा कर रहे थे। पुलिस को दिए बयान में हत्या के वक्त नफीस सिंह राठी की कार चला रहे उनके भांजे संजय के मुताबिक उनकी कार को एक सफेद रंग की कार फॉलो कर रही थी। जब उनकी कार बराही फाटक पर पहुंच कर रुकी तो अचानक कार से निकलकर कुछ लड़के आए और अपने हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। संजय के मुताबिक उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उनके पास आकर कहा कि उन्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि वो घर जाकर इसके बारे में बता सकें। FIR में बताया गया है ड्राइवर के जरिए कि किस तरीके से जो हमलावर है वो आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुम जाकर ये बता देना। अदालत में किसी तरह की गवाही परिवार नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश अब तक जो समझ में आ रहा है आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है। लेकिन जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो हमलावर थे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, उनको बकायदा सुपारी दी गई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। दिन दहाड़े हुए इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। अब पुलिस हत्यारों का सुराग पाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस को अभी जो फुटेज मिला है उसमें उन हत्यारों को राठी की कार का पीछा करते हुए देखा गया है। सीसीटीवी में आईटन गाड़ी में बैठे हमलावर भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर फोन पर भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने अब इस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना स्थल है जो मौकाए वारदात है, वहां से कुछ दूरी पर जो सीसीटीवी सीज किया है हरियाणा पुलिस ने, उसमें जो कार में सवार लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसा शक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उन्हीं की तलाश हरियाणा पुलिस कर रही है। झज्जर पुलिस के लिए चुनौती बन चुके इस हत्याकांड की जांच के लिए 2 DSP के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा हत्यारों का पता लगाने के लिए STF को भी लगाया है। जो शिकायत प्राप्त हुई है शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 DSPs की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। इस हमले में राठी के साथ गाड़ी में मौजूद INLD के एक कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की भी मौत हो गई। वहीं ड्राइवर भांजे संजय और निजी सुरक्षा कर्मी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अरविंद ऊंचा, बहादुरगढ़, हरियाणा, गुड न्यूज टुडे।
हरियाणा के एक बड़े राज्य स्तरीय नेता की हत्या के बाद हंगामा खड़ा हो गया। नाफे सिंह के नाराज समर्थक आज सड़कों पर उतर आए और सड़क जाम कर दी। समर्थक नाफे सिंह के अंतिम संस्कार करने पर तब तक राजी नहीं होने की बात कह रहे हैं जब तक कि उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि हरियाणा में पूर्व विधायक की हत्या के बाद क्यों भड़का गुस्सा? आज जिस समय नाफे सिंह के समर्थक सड़कों पर उतरे उस समय हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली रोहतक रोड पर मौजूद हूं और यहां पर जो नाफे सिंह के तमाम समर्थक हैं वो सड़क पर ही बैठ गए हैं, जाम लगा दिया और नारेबाजी कर रहे हैं कि बकायदा जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और बकायदा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर जो ये दिल्ली रोहतक रोड है इसको पूरा जाम लगा दिया गया। जबकि सामने की तरफ देखेंगे तो जो नागरिक अस्पताल है इसी नागरिक अस्पताल में जो नाफे सिंह है उनकी बॉडी को रखा गया। साथ ही साथ जो एक समर्थक था जय किशन जिसकी जो कार में सवार था जिसकी हत्या कर दी गई थी दोनों की बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और उसके ठीक सामने अस्पताल के बाहर ये परिवार के लोग जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं, सड़क जाम कर दिया। इनका कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। नाफे सिंह की हरियाणा में जिस तरीके से हत्या की गई है ठीक उसी तरीके से करीब 2 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी पंजाब में हत्या की गई थी। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या नाफे सिंह की हत्या का मोडस ऑपरेंडी मूसेवाला की हत्या के जैसा ही है? दोनों हत्यारों में कई ऐसी समानताएं हैं जो ये बता रही है कि इन हत्या का तरीका एक जैसा था। रविवार की शाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नाफे सिंह राठी की हत्या ने 26 मई 2022 को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के खौफनाक वारदात की याद को फिर से ताजा कर दिया। हरियाणा और पंजाब में हुई दोनों घटनाएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं क्योंकि दोनों ही हत्याकांड को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया। हम आपको बताते हैं कि मूसेवाला और नाफे सिंह की हत्या के तरीकों में कितनी समानताएं हैं। दोनों की हत्या के पहले सटीक रेकी की गई थी। मूसेवाला की हत्या से पहले उनके हर मूवमेंट पर किलर्स ने नजर रखी थी। मूसेवाला के कातिलों ने पहले उनकी गाड़ी का पीछा किया था और मौका देखते ही उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी थी। ठीक उसी तरह से नाफे सिंह के कातिलों ने भी उनकी गाड़ी का पीछा किया और बराही फाटक के पास जैसे ही उनकी फॉर्च्यूनर रुकी कातिलों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फॉर्चूनर कार है जिसमें नाफे सिंह राठी बकायदा 3 और लोगों के साथ सवार होकर जा रहे थे तभी जो हमलावर है वो आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ इस फॉर्चूनर कार पर हमला कर देते हैं और एक के बाद एक कई राउंड तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की जो पुष्टि वो फिलहाल पुलिस कर रही है। दोनों ही हत्याकांड में शामिल कातिलों में कानून का जरा भी खौफ नहीं था। मूसेवाला और नाफे सिंह दोनों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। मूसेवाला को पंजाब में मानसा जिले में उनके घर के पास जवाहर के गांव के पास हत्या की गई, जबकि नाफे सिंह को उस समय निशाना बनाया गया जब वो अपने घर लौट रहे थे। दोनों ही वारदातों में सड़कों के बीचों बीच गोलियां बरसाई गई थी। इतने राउंड यहां पर फायरिंग की गई है इस कार पर कि पूरा जो कांच का शीशा है चारों तरफ का वो टूट चुका है। 3 से 4 हमलावर थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके हाथ में था और उसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला किया गया। फिलहाल जो ये कार है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर सी बात है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका जो हरियाणा पुलिस है वो कराएगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इन हथियारों के माध्यम से मूसेवाला पर कुछ ही पलों में इतनी गोलियां बरसा दी गई जिससे उनके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। नाफे सिंह की फॉर्च्यूनर पर भी 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। गाड़ी के चारों तरफ गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। मूसेवाला और नाफे सिंह दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों में अकेले नहीं थे, उनके साथ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन हमलावरों का टारगेट केवल वो लोग ही थे। गोलियां उनको निशाना बनाकर बरसाई गई थी इसलिए दोनों की मौत मौके पर ही हो गई थी। दोनों ही वारदातों में टारगेट के साथ बैठे लोगों पर हमले से परहेज किया गया। नाफे सिंह के ड्राइवर को तो बाकायदा ये कहा गया कि वो उन्हें जिंदा छोड़ रहे हैं।
नफे सिंह और मूसेवाला की हिला देने वाली वारदात के पीछे दोनों की सुरक्षा में कमजोरी भी एक वजह रही। दोनों शख्सियत पब्लिक फिगर थे। मूसेवाला जहां पंजाबी सिंगर होने की वजह से युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे, वहीं नफे सिंह एक राज्य स्तरीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोगों के बीच में रहने वाले थे। लेकिन मूसेवाला की सुरक्षा पंजाब सरकार ने घटा दी थी, वहीं नफे सिंह की सुरक्षा मांगने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। नफे सिंह के परिवार वाले इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। हर बार ये कहा गया कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, हमारी जान को खतरा है, लेकिन चूंकि हम दूसरी पार्टी के हैं और विरोधी पार्टी के नाते सिर्फ द्वेष भावना के चलते वो चाहते थे कि हमारा नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये होने दिया। मूसेवाले की हत्या को अंजाम देने वाले किराए के हत्यारे थे और पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक नफे सिंह की हत्या को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा अंजाम देने की आशंका है। अरविंद ओझा, बहादुरगढ़, हरियाणा, गुड न्यूज टुडे। जिस तरह से हत्या की गई है उससे ये लग रहा है कि इस हत्या की पूरी तैयारी की गई थी। मर्डर में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया उससे भी ये लग रहा है कि इसमें हरियाणा और आसपास के राज्यों के गैंगस्टर्स का हाथ हो सकता है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए नफे सिंह की हत्या करवाई गई है? पुलिस को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरह से इस हत्या में अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो असाधारण अपराधियों के पास होना मुश्किल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अरविंद ओझा। अभी तक जो शक है कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। आपको बताऊं ये जो पुलिस स्टेशन है लाइन पार बहादुरगढ़ का, इसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा पुलिस तफ्तीश करिए अलग अलग एंगल से, लेकिन जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। अमूमन इस तरह का जो हथियार है वो जो हरियाणा और आसपास के जो गैंगस्टर हैं वो करते हैं, विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। हालांकि आपसी रंजिश और तमाम अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नफे सिंह के बेटों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को धमकियां मिल रही थी। धमकियों के बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की जिसे अनसुना कर दिया गया। हमारा आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि पूर्व विधायक नफे सिंह के परिजन पुलिस से क्यों नाराज हैं? चलिए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं उनके बेटे। धमकी मिली थी और धमकी की लिखित शिकायत हमने एसपी अर्पित जैन जी को करी थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनसे बात करके कहा था कि मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपसे मिलेंगे और आप इस झज्जर के डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं, आपकी जिम्मेवारी है आम आदमी की भी हिफाजत करना और मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी हिफाजत करना। हमारी मांग है कि जितना प्रशासन हमारे खिलाफ मुस्तैद था उतना प्रशासन हमारे पक्ष में मुस्तैद होए, दोषियों को सजा मिले। आसन नहीं है इनकी, अगर एक को भी पकड़ लिया तो ये उगल देंगे कि हाँ हमने ये कांड कराया है। लेकिन पुलिस वाले और सरकार नहीं चाहती कि सरकार के आदमियों को बदनाम हो, सरकार की किरकिरी हो। गुंडा राज जिसे कहते ना, जिसे हम यूपी और बिहार में कहते थे कि भाई गुंडा राज देखना है तो भाई फलानी जगह चले जाओ, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ गुंडा राज देखना तो बहादुरगढ़ आओ, यहाँ आम आदमी तो छोड़ो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी से। पुलिस ने नफे सिंह हत्याकांड में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि उन्होंने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में जरूर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि नफे सिंह हत्याकांड की जांच में कहां तक पहुंची हरियाणा पुलिस? बता रहे मेरे सहयोगी अरविंद ओझा। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया ऐसा लग रहा था कि हमलावर काफी दूर से चेस कर रहे थे और तभी जो रेलवे फाटक है वो बंद होता है और उसका मौका मिलता है हमलावरों को जो कार में सवार थे, और उसके बाद ताबड़तोड़ तकरीबन 20 राउंड्स के लगभग जो फायरिंग हुई है। नफे सिंह को इतनी गोलियां मारी गई कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अस्पताल उनको ले जाया गया था, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल का जो एक कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस का कहना है कि अलग अलग डायमेंशन से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया।
नाफे सिंह राठी हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है, इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। आईएनएलडी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार पर तीखा प्रहार किया और हरियाणा में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। वहीं सरकार ने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया और पलटवार भी किया। हमारा आज का आखिरी और सातवां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, नाफे सिंह की हत्या पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। दरअसल लोकसभा चुनावों का समय आ रहा है, लिहाजा हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस मुद्दे को भुनाने की भी पूरी कोशिश में विपक्ष जुट गया है। हरियाणा आईएनएलडी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नाफे सिंह राठी की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस हत्यारों की धरपकड़ में जुटी है, वहीं मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। आज इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने सीधे खट्टर सरकार पर प्रहार करते हुए गंभीर आरोप लगाए। चौटाला ने कहा कि नाफे सिंह राठी को सुरक्षा मुहैया कराने के बदले सरकार ने उन लोगों को सुरक्षा दी जिनसे नाफे सिंह राठी की जान को खतरा था। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नाफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी, सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। नाफे सिंह राठी की हत्या पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार के राज में हरियाणा में कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन को आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए, हम जब क्यों नहीं गंभीर होते। आम आदमी पार्टी ने भी सियासी प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, हरियाणा में जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। मुझे बेहद दुख है नाफे सिंह राठी की हत्या का, और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना। एक तरफ विपक्ष हमलावर है, वहीं सरकार हर हमले का जवाब देने में लगी है। विधानसभा में सरकार ने नाफे सिंह राठी हत्याकांड में कड़ी कार्रवाई की बात तो कही, वहीं ये बताना भी नहीं भूली कि कांग्रेस के राज में हरियाणा में अपराध ज्यादा होते थे। आप जो बहुत पुराने हैं, कब बड़ा क्राइम, मैं बताता हूँ कब बड़ा। 2005 में जब आप सत्ता में आए मर्डर होते थे 784, 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। विधानसभा में गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि नाफे सिंह राठी के भतीजे ने जो FIR दर्ज करवाई है वो राजनीतिक लोगों के खिलाफ करवाई है, इसमें जो भी पाए जाएंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। एक तरफ नेताओं के सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं, वहीं नाफे सिंह के घर वालों को भी लगता है कि एक पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है और नाफे सिंह के साथ सियासी रंजिश रखने वाले इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7:07 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।